बताओ तुम्हारी क्या नो है? लेट नाइट मंचिंग, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे शौक है। शुरू से ही ऐसा है कि अब तो रूटीन मेरा कुछ लोगों में गंदी आदतें ही नहीं है भाई, इसकी वजह से हो कोई चीज। अब तो मेरा रूटीन कई सालों से ऐसा है कि मैं क्योंकि लंच नहीं करती तो मैं 5-6 बजे मेरा लंच डिनर सब हो जाता है। फिर तुम उसके बाद फिर मैं उसके बाद बिल्कुल भी मुझे क्रेविंग तक नहीं होती है। मैं मतलब अगर किसी दावत में भी जाऊँ ना 8-9 बजे 10 बजे चीजें भी पड़ी हूँ, चख तो लो, खा तो लो। मैं कहा नहीं नहीं बिल्कुल भूख नहीं है, पानी पी लिया या ज्यादा ज्यादा खा लिया, कुछ एक मीठा हुआ। वैसे भी आपका मैदे का साइज छोटा हो जाता है जब आप कुछ दिनों तक डाइट कर रहे होते हैं, आप उसको स्ट्रेच करते जाएंगे वो उतना फैलता जाएगा। जितना आप उसको श्रिंक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेट नाइट मंचिंग इज नो फॉर मी। मुझे अगर मैं लेट खाना भी खा लूंगी ना तो मुझे हजम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं सो नहीं सकूंगी, बेचैनी होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो मैं बिल्कुल लाइट रहना चाहती हूँ और लाइट लाइट उठना चाहती हूँ। तुम कह रही थी रोटी जो है तुम नहीं छोड़ सकती, कार्ब्स मैं नहीं छोड़ सकती। मैं यही देखे ना, वन इंग्रेडिएंट डाइट हो या कोई डाइट प्लान हो, ये आप मेरे से ना करवाएं। ये मैं कर ही नहीं सकती कि नहीं बस अब तुमने सिर्फ एक चीज खानी है, ये तुम्हारा डाइट प्लान है, इससे वजन कम होगा। तो मुझे करना ही नहीं वजन कम। मैं हर चीज खाऊंगी लेकिन प्रोपोर्शन में खा लूंगी और टाइम से हिसाब से खा लूं। अच्छा, हर चीज मुझे वो ज्यादा सही है, कम खा लो। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।